मोदी जी के परिवार में शामिल होने का निर्णय किया, हम आपका अभिनंदन करते हैं और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि परिवार के सदस्य बनने के साथ साथ आपको पूरा सम्मान, पूरा स्थान, पहचान जो अपने परिवार में दी जा सकती है वो निश्चित है। बागियों और निर्दलियों के भाजपा ज्वाइन करने के बाद भड़की जनता, बोली जनता पर जानबूझकर थोपे गए चुनाव। हिमाचल में एक साथ 9 सीटों पर उपचुनाव, जनता को झेलना होगा चुनाव का फालतू खर्च। हिमाचल में पहली बार 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव एक साथ होंगे। प्रदेश के इतिहास में पहले ना कभी किसी विधायक को इस तरह से अयोग्य घोषित किया गया और ना ही चुने हुए विधायकों ने अपना कार्यकाल समाप्त होने के 45 महीने पहले रजाइन किया। खासकर इंडिपेंडेंट MLA होशियार सिंह, KL ठाकुर और आशीष शर्मा द्वारा अपना कार्यकाल पूरा होने से 45 महीने पहले ही इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। इन्होंने सिर्फ BJP में एंट्री के लिए और 15 महीने पहले जनता द्वारा दिए गए जनादेश की परवाह किए बगैर क्षेत्र की जनता पर उपचुनाव थोपा है। इनके रिजाइन करते ही सोशल मीडिया पर भी लोग तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि जनता ने इन्हें 5 साल के लिए चुनकर विधानसभा भेजा है। वही भाजपा ने भी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए ये दाव खेला है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट MLA भाजपा को एसोसिएट के तौर पर समर्थन दे सकते थे, इन पर कोई दल बदल कानून भी नहीं लगता था, फिर भी इन्होंने रिजाइन किया। अब उपचुनाव में पार्टी और प्रत्याशी के अलावा सरकार का भी करोड़ों रुपए खर्च होगा। ये पैसा जनता की जेब से इकट्ठा होने वाला टैक्स से इकट्ठा होता है। पहले इन 2 वजह से हुए थे उपचुनाव। प्रदेश में बीते सालों के दौरान 2 वजह से उपचुनाव होते आए हैं। पहली वजह किसी विधायक या सांसद की मृत्यु होना है और दूसरी वजह किसी विधायक द्वारा लोकसभा या फिर सांसद द्वारा विधानसभा का चुनाव लड़ना। इन वजह से उपचुनाव हुए हैं, मगर इस बार उपचुनाव की वजह विधायक खुद बने हैं। हालांकि कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की वजह से उपचुनाव की नौबत आई है, लेकिन इंडिपेंडेंट MLA की सीट पर उपचुनाव जरूरी नहीं था। 3 विधानसभा क्षेत्र होंगे अनसीन नोटिफाई। हिमाचल के अयोग्य विधायकों की 6 सीटें पहले ही अनसीन नोटिफाई है। संभव है कि आज शाम तक 3 इंडिपेंडेंट MLA के विधानसभा क्षेत्र भी अनसीन घोषित कर दिए जाएंगे। इन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया से जल्द अनसीन घोषित करने का आग्रह किया है। विधानसभा सचिव द्वारा अनसीन नोटिफाई करने के बाद चुनाव आयोग इनके भी साथ उपचुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करेगा। इन सीटों पर होंगे उपचुनाव। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीते 16 मार्च को ही धर्मशाला, कुटलहर, सुजानपुर, लाहौल स्पीति, बड़सर और गगरेट विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा कर रखी है। हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा विधानसभा उपचुनाव की आगामी 7 मई को नोटिफिकेशन करेंगे। संभव है कि 6 विधानसभा के साथ देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का शेड्यूल आएगा।